कार्डियोलॉजिस्ट, आपको उस बारे में, हार्ट फेलियर के बारे में और हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसका मतलब होता है हार्ट फेल नहीं, वो हार्ट अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट की पंपिंग, जो हार्ट है जो मस्कुलर ऑर्गन है, उसकी पंपिंग गिर जाए। अगर पंपिंग गिर जाती है तो ऐसे केसेस में हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट बीच में होता है, दोनों फेफड़ों में पानी जाता है, पेशेंट की सांस फूलती है, लेटने में तकलीफ होती है, थोड़ा चलता है भागता है तो सांस फूलती है। अगर ये कंडीशन, हार्ट की पंपिंग नॉर्मली इको से हम चेक करते हैं, हार्ट की पंपिंग इजेक्शन फ्रैक्शन से पता लगती है, जो कि नॉर्मल 60% होती है, 60%। अगर ये गिरकर 35% से नीचे हो जाती है तो पेशेंट को सांस फूलने लगती है, 25% से नीचे हो जाती है तो पेशेंट लेते ही रहता है, चलने में तकलीफ होती है, और 15% से नीचे हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की सर्वाइवल बहुत पुअर हो जाते हैं। इसको कहते हैं हार्ट फेल्योर। अब हार्ट फेल्योर में ऐसा होता है कि पेशेंट की सांस फूल रही है और फाइव ईयर सर्वाइवल इज लिमिटेड, यानी कि पेशेंट जो है उसकी लाइफ लिमिट हो गई। जैसे कैंसर की लाइफ लिमिट हो जाती है, उसी तरह से हार्ट फेल्योर की पेशेंट की लाइफ लिमिट होती है। इसका इलाज क्या है? दवाइयां बहुत ज्यादा है, कई दवाई दी जाती है जिससे हार्ट की पंपिंग बढ़ती जाती है कुछ हद तक, लेकिन अगर हम 3 महीने का ट्रायल देने के बाद पेशेंट की हार्ट की पंपिंग नहीं बढ़ती है, उसकी एंजियोग्राफी होने के बाद कोई नसों में ब्लॉक नहीं है, कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है, ऐसे केसेस को मैनेज करने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब क्या हुआ? हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि पेशेंट का हार्ट दूसरा बदल दिया जाए। अब हार्ट भगवान ने एक ही दिया है, दिल एक ही है। अब किडनी दो होती है तो एक किडनी दूसरे की निकाल के आपने लगा दी, दूसरा पेशेंट जिसका किडनी निकाली है वो चलता रहेगा क्योंकि एक किडनी पर्याप्त होती है। अब चूंकि हार्ट एक ही है तो हार्ट तो किसी का निकाल नहीं सकते, किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का। तो ऐसे केसेस में हार्ट डोनर वो होते हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि सडन डेथ या कैंसर से मर गया लेकिन हार्ट ठीक है, तो ऐसे में ऑर्गन डोनेशन वाली बात आती है, यानी कि द पर्सन हु हैज डाइड, तो उसको पता लगता है उसके 4 या 6-8 घंटे के अंदर उसका हार्ट निकाल के जो पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर है उसको लगा दिया जाता है। इसको कहते हैं पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट टीम होती है। भारत में हमारे केवल 100 ट्रांसप्लांट एक साल में हो रहे हैं, बड़ी दुख की बात है, जबकि भारत की आबादी है 130 करोड़। हमारे कम से कम रिक्वायरमेंट है 5,000 से 10,000 ट्रांसप्लांट पर ईयर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सिस्टम को इवॉल्व हो रहा है अभी धीरे धीरे करके। एक पेशेंट की डेथ होती है, ऑर्गेन डोनेशन के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, पेशेंट की आकस्मिक मृत्यु के बाद हमारे यहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं है। अमेरिका में इस समय करीब 2,500 ट्रांसप्लांट पर साल हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा एक नई डिवाइस आ गई है जिसको कह सकते हैं शॉर्टकट टू आर्टिफिशियल हार्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं ये आर्टिफिशियल हार्ट पूरी तरह नहीं है, स्पेशल पंप होता है जो हार्ट के नीचे लगा दिया जाता है। जैसे हार्ट यहां पर है तो एक पंप लगा दिया, वो एडिशनल पंप है। हार्ट भी एक मस्कुलर पंप है, एक एडिशनल पंप है, उसका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, LVAD। LVAD आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है धीरे धीरे, और इसकी खर्चा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ता है कि पेशेंट को छाती खोल के एक एडिशनल पंप लगा देते हैं, और कई बार ये ब्रिज टू ट्रांसप्लांट होता है। ब्रिज मतलब जब तक ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट ना मिले। देखिए पेशेंट वेटिंग लिस्ट में होते हैं, क्योंकि मैंने बताया दिल एक होता है तो आप दिल निकाल नहीं सकते, तो आपको वेट करना पड़ता है किसी की आकस्मिक मृत्यु हो, वो ऑर्गन डोनेशन लिस्ट में हो, तब आप कर पाएंगे। तो वेटिंग फॉर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को LVAD लगा सकते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी हुई है ये आर्टिफिशियल हार्ट ओपनिंग टू ब्रिज टू ट्रांसप्लांट या शॉर्टकट टू आर्टिफिशियल हार्ट जिसको LVAD कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, कई बार ये डेस्टिनेशन थेरेपी भी हो गई है। डेस्टिनेशन मतलब आपको पेशेंट की उम्र है 50 साल, अभी लगा दिया हमने तो 10 साल चलेगा, यानी कि ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस बात पर अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ कि हार्ट फेलियर को हल्के में डालें, इसका इलाज करें, और अगर अच्छे अस्पताल में जाके अच्छे डॉक्टर से बात करिए कि क्या मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, आपकी फैमिली डिस्कस करेंगे तो उसके लिस्ट में डाल देंगे, और अगर ट्रांसप्लांट जब तक नहीं हो रहा तब तक लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। 50% जो 5 ईयर सर्वाइवल ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट इज वेरी लो। तो इसको देखते हुए समाप्त करता हूँ। डॉक्टर बेगुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टॉकिंग अबाउट हार्ट फेलियर। थैंक यू वेरी मच।